जय साथियों साथियों, मैं कोच महेंद्र, प्रिंस डिफेंस एकेडमी झोटवाड़ा जयपुर, एनएसजी कमांडो वीरेंद्र सिंह द्वारा संचालित। आज अपन बात करते हैं फील्ड की, जो अभी जो इवनिंग का जो अभी अपने जो इवेंट अभी चल रहा है फिजिकल वगैरह, तो उसी की बात करते हैं। तो मॉर्निंग का और इवनिंग का जो दोनों वर्कआउट में अपन चेंज रखते हैं, सुबह का अपने को टाइट लेके चलना पड़ता है, उसी हिसाब से जो इवनिंग का होता है वो नॉर्मल चलता है। इसी के साथ में जो इवनिंग का भी जो फिजिकल की जो तैयारी चल रही है, अभी टेस्टिंग वगैरह करा रहा है बच्चा, तो उसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों शामिल है। तो आज अपन अभी आपको बताएंगे फील्ड के बारे में और जो अपनी एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे आपको, और जो शाम का जो वर्कआउट होता है वो कैसे कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे। तो आज अपन चलते हैं बच्चों को, क्योंकि जो कमर का जो अपने फ्लेक्सिबल हो, ताकि दाएं बाएं जो अपना पेन वगैरह नहीं हो, इसके लिए जो अपना जो ग्राउंड का होता है फ्लेक्सिबल, कमर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसी के साथ में अपने जो कद के मुताबिक जो पैर खोलने होते हैं, जो भी आप जो एक्सरसाइज देख रहे हैं उसको अल्टरनेट पोजिशन बोलते हैं। अल्टरनेट पोजिशन में क्या होता है, कद के मुताबिक पैर खोल के और जो अपना लेफ्ट हाथ होता है, लेफ्ट हाथ के साथ में अपने जो राइट वाला पैर होता है उसके ऊपर हाथ रख के एक दो एक में अपने को क्या है कि चालू करना पड़ता है। इसी के साथ में जो अभी एक्सरसाइज अभी स्ट्रेचिंग की जो फर्स्ट एक्सरसाइज चल रही है वो अभी चल रही है अल्टरनेट पोजिशन, एक दो एक में करवा रहा है, तो इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों शामिल है। तो अभी आप देख ही रहोगे जिसको अल्टरनेट पोजिशन बोलते हैं। अल्टरनेट पोजिशन में जो का लेफ्ट हाथ होता है, लेफ्ट पैर होता है और राइट हाथ होता है वो लगता है, स्टार्ट चलता है लेफ्ट राइट चलता है। इससे क्या है कि कमर का जो अपना शेड्यूल होता है बराबर, जो पैन वगैरह होते हैं, नसें वगैरह होती है वो ठीक रहती है, और जो बॉडी का साथ जो अपने चेस्ट वगैरह बोलते हैं उसकी फिनिशिंग और कट वगैरह रहती है, और साथ में अपनी जो हाथ की मसल्स वगैरह होती है वो होती है, सही होती है उससे। इसी के साथ में अभी आपके सामने उसके बाद में जो अपने पाँव को मजबूत करने के लिए और अपने जो कमर को मजबूत करने के लिए, उसके बाद में अल्टरनेट पोजीशन के बाद में आप जो बाएं मुड दाएं मुड की जो पोजीशन होती है वो भी आपके सामने बच्चा करा रहा है। चेंज पूरा डाउन में होता है कि जो कमर और जो अपना जो पैर की मसल्स की होती है, जो काप वगैरह होती है और अपना जो चेस्ट का होता है, वो काप और जो पैर की मसल्स होती है वो एक समान बन के जो खुलने की जो पोजिशन होती है वो आपको दाएं मुड बाएं मुड और पूरा डाउन करके जो भी आपको बता रहे हैं वो होती है। इसके साथ में अल्टरनेट पोजीशन के बाद साथ में और जो कमरबंद दाएं बाएं दोनों एक्सरसाइज होने के बाद में जो आपको सामने भी जो बच्चा जंप करके चल रहा है उसमें बॉडी में पावर प्लस में जो आपकी जो मसल्स की जो थक्का होता है वो जम नहीं जाए, बराबर खुला रहे और स्टेमिना सेट रहे और मजबूत पैर और हाथ दोनों पावर बने रहे। इसी के साथ में दाएं मुड बाएं मुड के एक्सरसाइज के साथ साथ में पैर खोलना, पैर ओपन करना और हाथ क्लोज करना और हाथ बढ़ाना, उसमें ऐसा होता है कि जब अपनी बॉडी का जो इम्प्रूवमेंट, वो जो सिस्टम होता है कहने